तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे टॉपिक विल बी फिल्टर इन टैली एंड केक पेंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू टैली आरपी 9। यस सर। Then go to work in education mode. Then go to single user. Then press Alt F3. Then search this company. Then go to create company. I will create a filter. Filter in Tally. This is our topic. Filter in Tally. So India and state will be Maharashtra. Then accounts, monthly and inventory both are applicable. Then go to accounts monthly. Okay. So today topic will be filter, right? Filter in Tally. It is a very easy topic. First of all, guys, you can tell me what is the meaning of filter. What is the meaning of filter? Can you tell me? फिल्टर मतलब जैसा हम लोग एमएस एक्सेल में लगाते हैं वैसा, अगर मैं कोई जगह देखता हूँ तो हम लोग फिल्टर। आपने आपने बहुत ही अच्छा मुझे आंसर दिया है कि सर फिल्टर मतलब क्या होता है। ठीक है, फिल्टर देखिए क्या होता है। डेटा को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। डेटा को क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करते हैं। जो हमें इम्पोर्टेंट डेटा है, जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है, वो डेटा हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लेके हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अभी सपोर्टेड मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है वो सपोर्ट 1000 ट्रांजेक्शन हुआ है। कितना हुआ है? 1000 ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है। अभी आप मुझे क्या बोलिएगा कि सर मुझे सिर्फ परचेज वाउचर का ही ट्रांजेक्शन शो करो। ठीक है, मतलब उसमें परचेज भी किया आपने, रिसीट भी किया है, कॉन्ट्रा भी किया है, सब किया, मिक्सअप किया है। अभी आप मुझे क्या बोलोगे कि सर मुझे सिर्फ परचेज वाउचर का ही वाउचर क्या करो, प्रिंट करके दो। ओके, मतलब हमने क्या किया, डेटा को शॉर्ट आउट किया। डेटा को क्या किया हमने, शॉर्ट आउट किया। ओके, दैट इज अ फिल्टर इन टैली। फिल्टर मतलब क्या होता है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, अनवांटेड डेटा को फिल्टर से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड डेटा को हम लोग फिल्टर से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ टैली, सॉरी दैट इज द यूज ऑफ फिल्टर, राइट। तो फिल्टर जो, फिल्टर दो टाइप का फिल्टर होता है। एक होता है कंटेंट वाइज, नेम वाइज, नंबर वाइज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फिल्टर के कितने टाइप है। सबसे पहले क्लियर, मुझे फिल्टर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन करना होगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन। विदाउट ट्रांजेक्शन, हाँ विदाउट ट्रांजेक्शन मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी सपोज दैट मैं यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेजर में जाऊंगा। लेजर में मैं क्रिएट करूंगा सपोज दैट। तो सबसे पहले मैं कैश ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास कैश कितना है, 5 लाख रुपीज है। ओके, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। सबसे पहले मैं पेमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर करके, मशीनरी मशीनरी अंडरगुड विल बी फिक्स सर। मशीनरी सपोर्ट एट कितना है, 5000 का कैश में देना है। ठीक है, हमने पेमेंट कर लिया। नेक्स्ट हम वापस करते हैं पेमेंट फर्नीचर का। फर्नीचर फर्नीचर विल बी फिक्स सेट। फर्नीचर मेरा वो 8000 का है, कैश में दूंगा। ओके, हमने दो पेमेंट किया है। अभी मुझे क्या करना है, परचेस का करना है। परचेस के लिए F8 सॉरी परचेस के लिए क्या है, F9 है। दैट इज अ शॉर्टकट की रेफरेंस नंबर 2। कैश में परचेस करूंगा मैं यहाँ पर 2000 का गुड्स। और इसलिए करूंगा परचेस अकाउंट्स, परचेस अकाउंट्स अंडर ग्रुप विल बी परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस। वापस मैं परचेस कर लेता हूँ, क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर लेता हूँ। मिस्टर अरविंद, मिस्टर अरविंद अंडर विल बी संडे क्रेडिटर। ओके, यस या नो? हेलो, यस सर। अंडर विल बी संडे क्रेडिटर, दैट इज द करंट लायबिलिटीज एंड 6000। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग रिसीट का भी एंट्री कर लेते हैं F6 करके। अब हमने परचेस किया है, परचेस किया हुआ है, रिसीट किया हुआ है और पेमेंट किया हुआ है, ओके। तो अभी मुझे यस सर। ट्रांजेक्शन देखना है, तो ट्रांजेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने एक बार आपको जाना है डे बुक में, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए आप, यस यहाँ पर डे बुक में दिख रहा है, डेट दिख रहा है, ओके, पर्टिकुलर दिख रही है, वाउचर दिख रहा है, वाउचर टाइप दिख रहा है, वाउचर नंबर शो हो रहा है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है, अभी सपोर्ट ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है ये शॉर्ट में ट्रांजेक्शन किया, मतलब ये हमारे पास ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है ना। अभी कंपनी में कैसा होगा, इतना हाँ ट्रांजेक्शन होने वाला है क्या? नहीं, कंपनी में आपको 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है ना। अभी मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे ऐसा परचेस बताओ जिसका जो सिर्फ मुझे परचेस अकाउंट, परचेस का ही क्या देखना है, रिकॉर्ड देखना है, उसमें रिसीट, पेमेंट, सेल्स या अदर ट्रांजेक्शन उसमें आना नहीं चाहिए, अदर वाउचर उसमें आना नहीं चाहिए, सिर्फ परचेस वाला ही मुझे क्या करो, वाउचर शो करो। तो इट इज अ वेरी इजी, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो रेंज में है ना, आपको रेंज में जाना है। कहाँ पर जाना है? रेंज में, गो टू रेंज। तो आपको यहाँ पर फिल्टर शो करना है, करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट दिया हुआ है, तो आपको वाउचर करना है, ठीक है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आप बोलोगे कि सर मुझे परचेस वाला रिकॉर्ड बताओ, किसका बताओ, परचेस वाला है ना। तो आपको वाउचर टाइप लेना है, क्या लेना है, वाउचर टाइप, अपना वाउचर टाइप है ना, परचेस रिसीट कॉन्टैक्ट, ये क्या है, वाउचर टाइप, ओके। हाँ तो वाउचर टाइप यस लेना है आपको, नेम है ना, नेम कौन सा चाहिए आपको, परचेस स्टार्टिंग विथ है ना, स्टार्टिंग विथ क्या चाहिए अपने को, हाँ परचेस पी से चाहिए, ओके, परचेस स्टार्टिंग विथ पी से चाहिए, परचेस। जब आप एंटर करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करोगे ना, तो आपको सिर्फ परचेस वाला ही रिकॉर्ड शो हो रहा है। इसमें देखो हमने पेमेंट भी किया था, ओके, और रिसीट भी किया था, यहाँ पर शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। नहीं हाँ मतलब, सर। हाँ मतलब क्या हो रहा है, ये फिल्टर किया, यहाँ पर आप देख सकते हो फिल्टर इन टैली, यहाँ पे मतलब परचेस वाला रिकॉर्ड क्या हो रहा है, शो हो रहा है सिर्फ, है ना, मतलब जो भी मेरा अनवांटेड डेटा था, हाँ अनवांटेड जो वाउचर था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ओके। हाँ यस सर। तो वापस मैं रेंज में जाऊंगा यहाँ पर। अभी आप बोलोगे कि सर मुझे वाउचर वाइज देखना है, बट मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, नेम वाइज नहीं देखना है मुझे, ऐसा देखना है सर, वाउचर वाइज नहीं देखना है मुझे। एक काम करो आप मुझे ना, जिसका अमाउंट, जिसका लेजर अमाउंट ग्रेटर देन है ना, जिसका अमाउंट ग्रेटर, लेजर अमाउंट ग्रेटर देन सपोज दैट 2000 है या 6000 है, वो बता दो, ओके। देखो जिसका लेजर अमाउंट 600 से ज्यादा, 6000 से ज्यादा है, ओके, 8000 है, 6000, 6000, ठीक है। तो फिल्टर का बेसिकली यूज क्या होता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, इजिली फिल्टर कर सकते हो। अगर आपके पास अनवांटेड जो भी डेटा नहीं चाहिए, अनवांटेड अगर आपको वाउचर नहीं चाहिए, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिल्टर, दैट इज द यूज ऑफ फिल्टर फिल्टर इन टैली। यहाँ तक इसको डाउट है तो मुझे पूछिए आप लोग। नो सर। क्लियर आकाश नो शुभम, सर। आकाश शुभम, श्रवण, सर वो सब कुछ वापस लेके आने के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल डे डे बुक नॉर्मल करने आपको के कुछ नहीं वापस। करना है, स्केप करना है, स्केप करने के वो वापस आपको डे बुक में जाना है, तो आप इजिली यहाँ पर आ जाओगे, ओके। ओके सर। यस यहाँ तो कोई डाउट नो सर। पक्का, नो सर। यस सर। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग, चेक प्रिंटिंग, यस सर। ओके। नेक्स्ट यस टॉपिक सर। हमने चेक प्रिंटिंग, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, चेक प्रिंटिंग। सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज चेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक। चेक मतलब जो जो लोग कैश में जैसे डिपॉजिट करते हैं ना, तो लोग क्या चेक के द्वारा हम लोग अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर यू कैन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक। एक आई मीन अलग अलग तरह का है, जैसा क्रॉस चेक, ओके, फिर बैरर बैरर चेक, बैरर चेक। फर्स्ट, ओके, सो क्रॉस चेक एंड बैरर चेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड बैरर चेक। सर व्हेन यू मेक अ क्रॉस चेक देयर आर टू लाइंस ड्रॉन ओवर द लेफ्ट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ओके, तो ओके, लाइन होता है, ठीक है, बट वो लाइन का यस मीनिंग सर। क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, क्रॉस व्हाइल क्रॉस, क्रॉस बट मैं क्रॉस क्यों करूं, उसका मीनिंग क्या होता है।
सर वो डायरेक्टली डिपॉजिट होता है अपने अकाउंट में, बिल्कुल। क्रॉस और चेक, बेरर चेक में ओके आपको डायरेक्टली कैश मिलता है। ओके, क्रॉस चेक विल बी बराबर। क्रॉस चेक विल बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अ पे अकाउंट, ओके, एंड बेरर यस चेक विल बी कैश विड्रॉ, राइट। आप क्या कर सकते हो, बेरर चेक से कैश विड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है, विदाउट एनी विदाउट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर बेरर चेक है तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके। तो बैंक अपने क्या देती है, कैश दे देती है। तो अभी देखो यहाँ पर जो टैली में चेक तो हम लोग प्रिंटिंग देखने वाले हैं ना, उसका भी ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो यूज नहीं है चेक प्रिंटिंग का, ठीक है। लेकिन टॉपिक है, हमें सीखना है, ठीक है। बैंकिंग क्या करती है कि चेक प्रिंटिंग किसमें करती है, सॉफ्टवेयर में। जब बैंक के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो बैंक क्या करती थी, टैली में चेक प्रिंटिंग करती थी। लेकिन अभी ज्यादा करके इसमें ज्यादा यूज नहीं है चेक प्रिंटिंग का, लेकिन टॉपिक में हमें सीखना है तो आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चेक प्रिंटिंग, तो चेक प्रिंटिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट F3 करना पड़ेगा, शॉर्ट कंपनी का बाद में क्रिएट कंपनी करो। मैंने यहाँ पर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, महाराष्ट्र लेना है, ओके। यहाँ पे अकाउंट्स ओनली लेना है आपको, सिलेक्ट करके यस करना है। यस करने के बाद जस्ट आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको F11 करना है यहाँ पर, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। तो आपको पहले देखना है, ये देखो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन का है ना, अदर फीचर्स, ये ऑप्शन आपको यस करना है। एनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको क्या करना है, यस करना है। और सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करना है, यस कर देना है, ओके। यहाँ पर आपको क्या देना है, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी ऑफ चेक। सपोज मैंने दे दिया डीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ओके। आपको जस्ट यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको फिर अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर्स में जाना है, और यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, बैंक का लेजर बनाना है। किसका बनाना है, बैंक का लेजर बनाना है। हाँ, मैंने बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर क्या लेना, आपको बैंक अकाउंट लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी यहाँ पर चेक का क्या आ रहा है, डायमेंशनल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को पता नहीं है ना चेक का डायमेंशनल, यहाँ पर चेक का विड्थ कितना है, चेक का हाइट कितना है, वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पर कंट्रोल सी कर, हाँ।
एक्चुअली इसमें चेक प्रिंटिंग का जो सेटिंग है ना वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा आपको ऑप्शन पता नहीं है चेक प्रिंटिंग का, तो ये प्रिंटिंग क्या लैपटॉप में फिर नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं एक्चुअली प्रीव्यू दिखना चाहिए ना चेक प्रिंटिंग का। हाँ 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 ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है अभी देखो यहाँ पर जो डायमेंशनल है ना, यहाँ पर डायमेंशनल के लिए कैसा है कि आपको ये डायमेंशनल पुट करना होता है ना, ये डायमेंशनल आप खुद से पुट करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन होता है कंट्रोल सी करके, लेकिन वहाँ यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ऑप्शन। कंट्रोल सी करके हो ना तो ऑलरेडी डायमेंशनल क्या हो जाता है वो सेटअप हो जाता है, यहाँ पर भी कंट्रोल सेंटर में तो नहीं हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पर डायमेंशनल करोगे ना तो ये डायमेंशनल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सेटअप हो जाएगा। ठीक है सेटअप होने के बाद आपको फिर यहाँ पर लेजर क्रिएट करके आपको फिर वहाँ पर पूछेगा आपको चेक प्रिंटिंग करना है यस या नो। ठीक है लेकिन अभी वो ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा है। अच्छा अगर आप यहाँ पर खुद से डायमेंशनल डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ओके अगर आप वहाँ पर खुद से डायमेंशनल डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट होता है कंट्रोल एफ या कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग बता नहीं रहा है। ठीक है तो एक्चुअली देखा जो चेक प्रिंटिंग का ज़्यादा कुछ यूज नहीं है। ठीक है लेकिन एक फॉर्मेट का हमें देखना था इसके लिए हम लोग देख रहे थे ना, तो अभी देखो आपको समझ में आ गया ना चेक प्रिंटिंग क्या है। ठीक है आपके पीछे में ट्राई करो अभी मेरे को 10 मिनट्स रिमेनिंग है, मैं आपको ये कर देता हूँ। चलो फिल्टर इन टैली हो गया ना हमारा। यस सर यस सर टॉपिक देखने के लिए देखो हमारे यहाँ तक पूरा पार्ट खत्म हो गया ना। हाँ यहाँ तक हमने पूरा पार्ट आपको कवर किया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, बजट रहेगा, पेरोल रहेगा, बैकअप स्टोर, सिक्योरिटी कंट्रोल, बाद में बीआरएस हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉल सेंटर कैटेगरी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आपको वैट नहीं है पूरा क्या आ जाएगा जीएसटी, क्या आ जाएगा जीएसटी। हाँ ये वैट क्या रहता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है लेकिन ये अभी जीएसटी आने का ये भी एक तरह का क्या इनडायरेक्ट टैक्स है वैट। ठीक है महाराष्ट्र में एमवैट चलता है, महाराष्ट्र में एमवैट चलता है, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन ये आपको नहीं, आपको सीधा क्या है जीएसटी है, वन नेशन फॉर वन टैक्स। ओके लोग धीरे धीरे लेंगे। अभी देखो अभी आपका जो प्रैक्टिस है अभी मुझे आपको असाइनमेंट आपको देना है और प्रैक्टिस करके लेना आपसे। ठीक है लेकिन देखो अभी टॉपिक जो है हमारा बहुत थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिस आप लोग से मेरा लेना बाकी है, प्रैक्टिस हमने किया नहीं है तो फिर क्या हो रहा है लेक्चर भी हो रहा है ना। तो अभी आपको इन्वेंटरी का मैं असाइनमेंट दूंगा, अकाउंटिंग वाउचर्स का असाइनमेंट दूंगा। ठीक है ये सब आपको करना होगा सर। अकाउंटिंग वाउचर तो हो गया? हां सर अकाउंटिंग का हो गया ना। हां सर मतलब कौन सा अब आप किए रिजेक्ट और करना आपको। चलो एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्टॉक जनरल वाउचर। ठीक है 7 मिनट्स मेरे पास रिमेनिंग है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी 7 मिनट के अंदर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। ठीक है मैं ये टॉपिक में न्यू जब भी मैं आपको लिंक शेयर करूँगा तभी मैं लेता हूँ ना, तब तक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 7 मिनट के अंदर। स्टॉक जनरल वाउचर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्टॉक जनरल देखो स्टॉक जनरल क्या होता है। ठीक है स्टॉक जनरल इज अ जनरल इन विच ऑल टाइप ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट आर एंटर। The stock adjustment may be due to inter-godown transfer. This is useful to transfer the goods from one location to another location. Quantity of stock remains the same, but the location change. Additional cost expenses involve the transfer of goods. You can also account the additional cost incurred
इन द कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टॉक जर्नल का मीनिंग क्या है आपको मैं एकदम इजीली बताऊंगा, ठीक है। अभी सपोज दैट श्रवण का क्या है, एक कंपनी है, श्रवण का क्या है कंपनी, ओके। श्रवण का जो गोडाउन है वो थाने में भी है और मुंबई में भी गोडाउन है। श्रवण का दो गोडाउन है, थाने में भी है और एक मुंबई में भी है। तो अभी श्रवण क्या करेगा, अभी सपोज मुंबई का जो गोडाउन है उसमें स्टॉक का क्या होगा, कुछ मतलब कम हो गया स्टॉक, क्या हो गया उनके गोडाउन में कम हो गया। तो श्रवण क्या करेगा, थाने गोडाउन से मुंबई गोडाउन में क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा ट्रांसफर, ओके। अगर किसी भी गुड्स को ट्रांसफर करते हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट टाइम यू मेक अ स्टॉक जनरल वाउचर। आपको क्या देना है, बना के स्टॉक जनरल वाउचर। व्हेन गुड्स ट्रांसफर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट टाइम यू मेक अ स्टॉक जनरल वाउचर। दैट इज अ वेरी सिंपल फंडा, ओके। आया समझ में? यस सर, यस सर। शुभम, श्रवण, आकाश, मीटिंग एंड करता हूँ और मैं वापस आपको लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर मैं स्टॉक जनरल वाउचर, ओके। और सर मैं कह रहा हूँ अपना सेम लिंक पे मीटिंग स्टार्ट कर दो ना, बार बार नया लिंक भेजने से अच्छा। सेम लिंक पे मैं 45 मिनट्स का दिया था मीटिंग। ये कैसा है कि हम लोग हर लेक्चर में सेम लिंक पे ज्वाइन होते हैं हम लोग हर लेक्चर में, तो लेकिन मैं पेड वर्जन भी है ना जूम का, जूम का मेरा मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, वो पेड वर्जन पे होता है, ठीक है। हां वो मन में सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें अलग रहता है, सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है। मैंने वो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मैंने लिया नहीं है उसको अभी तक, ओके। चलो मैं एंड कर रहा हूं, आप जॉइन हो जाना, ओके।